नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। तो आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसी सिलसिले में गुरुवार को श्रीकांत त्यागी ने खतौली में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यहां कई गांवों में अपनी नुक्कड़ सभाएं और रोड शो किए हैं। वहीं श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि यहां त्यागी समाज ने बीजेपी को वोट ना देकर किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा है जो ज्यादा मजबूत हो। खतौली में रोड शो के दौरान श्रीकांत त्यागी ने खुद ट्रैक्टर की कमान संभाली और वो ट्रैक्टर को चलाते हुए नजर आए। श्रीकांत त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार ने त्यागी समाज का आपराधिकरण करने का काम किया है, जिनको लेकर समाज में गुस्सा और इसी बार खतौली उपचुनाव में त्यागी समाज बीजेपी को वोट न देकर उसके सामने जो भी टक्कर का प्रत्याशी होगा उसे अपना वोट देने का काम करेगा। वही जब उसने चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय हमारा समाज करेगा। चुनाव के सवाल पर श्रीकांत ने कहा है कि चुनाव बहुत छोटा सवाल है। त्यागी समाज की उत्तर प्रदेश में आबादी 9 लाख की आबादी है। अगर ब्राह्मणों को जोड़ दिया जाए तो त्यागी और ब्राह्मण परशुराम के वंशज हैं। स्वाभाविक है कि इतने बड़ी संख्या में हमारा समाज है। हम लोग चुनाव तो एक बहुत छोटा सवाल है। हम लोग यहाँ भी तय करेंगे कि 2024 में हमारे समाज को कौन सी पार्टी संरक्षित और सुरक्षित रख पाएगी। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत में हमारा कोई संबंध नहीं है। त्यागी समाज का ऐलान है कि बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार खतौली उपचुनाव में किया जाएगा। त्यागी समाज की धरोहर एक ख्याल है। त्यागी समाज की धरोहर का ख्याल नहीं रखा गया तो बीजेपी की हार पक्की है। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।